So today we are going to Kumrat Valley with Niazi Tours and Travel. बहुत long story है कि हमारी trip जो है suddenly कैसे plan हुआ और कैसे change हुआ और किस तरह हम लोग जो है Niazi Tours के साथ जो हम लोगों ने कॉर्पोरेट करके जो है अपना ट्रिप जो है वो प्लान किया है. अभी जो है हम लोग जो है थ्रू आउट मोटरवे जो है पेशावर मोटरवे से जो अब हम लोग सवात मोटरवे पे इंटर हुए हैं. यहाँ पे जो है ये है, इधर बैक पे हम आप देख सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट ताहिर खान रेस्टोरेंट, ये भी उनकी तरफ से स्पॉन्सर. यहाँ पे जो है हमारा नाश्ता है. यहाँ सवात मोटरवे से हम लोग जो है अभी यहाँ पे टीके रेस्टोरेंट आए हैं. इट्स एक्चुअली ताहिर खान रेस्टोरेंट जहाँ पे जो है हमारा ब्रेकफास्ट है. ब्रेकफास्ट के बाद जो है हम वो फर्दर मूव करेंगे सवात मोटरवे के थ्रू जो है कुमराट की तरह. वहाँ पे जो है उन्होंने बोला था कि थल से आगे जो है आपको जो है वहाँ पर जीप पर शिफ्ट कर दिया जाएगा. हम आप लोग को प्रॉपर टूर गाइड जो है देंगे, सब कुछ बताएंगे कि आप लोग किस तरह से Niazi Tours का लिंक भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उनका ट्रिप का बैठे. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो जी टीके रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के बाद वी जस्ट मूव टूवर्ड्स अवर जर्नी थ्रू सवात मोटरवे. बहुत खूबसूरत रास्ता था, बहुत ज़्यादा कुछ वीडियो जो है वो मैं नहीं बना सकती क्योंकि बम्पी रोड थी. ऑब्वियसली कैमरा जब हिल रहा होता है तो यू कैंट मेक गुड वीडियोज़. बाकी मैंने जो अपनी रील्स वगैरह है वो अपलोड की हुई है इंस्टाग्राम वगैरह पर, आप लोग तो वहाँ पर भी जाके व्यू कर सकते हैं. This is the last tip of my way towards Kumrat. क्योंकि इसके बाद मैं वीडियोज़ नहीं बना सकी थी, वी आर जस्ट मेकिंग रील्स. तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको लेके जाऊँगी कुमरात रिवर की तरफ और उसका आपको नाइट भी दिखाऊँगी. क्योंकि आधे रास्ते से जो है हम लोग जीप पे शिफ्ट हुए थे क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा जो है पथरीली इलाका था जिसकी वजह से जो है वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं बना सके. बहुत ज़्यादा अंधेरा था और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं इस वक्त कुमरात रिवर खूबसूरत सा और ये खूबसूरत पानी की आवाज़. और ये हैं हमारे पॉट्स जहाँ पे हम लोगों ने जो है नाइट स्टे किया था. ये अभी हम लोग आप लोगों को मैं नाइट व्यू दिखा रही हूँ लेकिन इसके बाद जो है मैं आपको मॉर्निंग व्यू भी दिखाऊंगी जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है. इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी थी, रात का टाइम टेम्परेचर जो था ऑलमोस्ट आई थिंक माइनस में होगा और बारिश भी हो रही थी, बट वी इन्जॉयड अलॉट. पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले खाना खाया क्योंकि हमें बहुत भूख लगी हुई थी. और खाना अब दोस्त है उसका खाना, मैं कहती हूँ बहुत बहुत मज़े का खाना था, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल खाना था. आई रियली रियली लाइक खाना दोश क्लैम्स एंड देयर सर्विसेज एंड देयर फूड एज वेल. ये है हमारे टूरिस्ट गाइड जिन्होंने हमें जो है गाइड किया था कि आप लोगों ने कहाँ जाना है. और ऑप्शन नंबर टू ये है कि जिसके अंदर काला चश्मा भी कवर हो जाएगा, ठीक है, और आपके कलाम वाली काला चश्मा और कुमराट जो है उसका सारा नियर बाय जो भी है वो. तो जवाब बंडे में मुश्किल ये आ रही है कि उधर जैसे कि स्लिपरी है, हाइक ज्यादा है, घोड़े नहीं मिलेंगे, ठीक है, बारिश में भीग भीग के जाना पड़ेगा, मतलब नमूनिया पॉसिबल है. बस एक मिनट ये जरा इसकी मानो हैप्पी हैप्पी बर्थडे.
तो हम लोग आ चुके हैं कुमराज फॉरेस्ट में। रात को जो हम लोग काफ़ी लेट आए थे, जिसकी वजह से जो है मैं नाइट व्यू रील वैसे तो बनाई है लेकिन कुछ क्लियर आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों को अभी बता दूँ, दिस इज़ रिवर कुमराज रिवर, ठीक है, कुमराज फॉरेस्ट के दरमियान में। यहाँ पे जो है ये बहुत खूबसूरत सा व्यू है, और वहाँ पे माउंटेन विथ पीक एंड स्नो ऑल यू कैन सी है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। ये रास्ता है, ये ट्रैक जहाँ से हम लोग जो है वहाँ जीप से उतर के यहाँ से गुजर के हम लोग आए थे इधर। ये हैं हमारे पॉट्स। यहाँ पे कैंप्स भी, अगर आप लोग कैंप्स में स्टे करना चाहें तो आप लोग कैंप्स पे स्टे कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर विद योर फैमिली आप लोग कैंप्स को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि रात को जो है बहुत बहुत बारिश थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी कि आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों में से कोई भी जो है वो कैंप में रहना पसंद करेगा इतनी बारिश में, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट्स अ काइंड ऑफ कम्फर्टेबल। ऑल दो हम लोगों ने जो है ये पॉट्स सेलेक्ट किए थे, बहुत खूबसूरत ये बने हुए हैं, छोटे छोटे पॉट्स हैं। इसका जो है इनसाइड व्यू मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी हम चलते हैं ऊपर। ये रहा अप व्यू, बैक पे माउंटेंस, पॉट्स, यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। अंदर के हालात जो हैं अभी काफ़ी हल्के हैं तो हम आपको बाद में दिखाएंगे। और ये आए आपको पॉट को विज़िट करवाते हैं। ये हमारा पॉट है, महमद सो रहा है। रात को जितनी ज़्यादा सर्दी थी, आप भी जो है इस टाइम जो रात को बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इस टाइम जो है बहुत बहुत खूबसूरत जो है सूरज निकला हुआ है और धूप भी काफ़ी तेज़ है। वैसे यहाँ पर सुनने में ये आया है कि जितनी यहाँ पे सर्दी होती है और यहाँ की धूप भी जो है उतनी ही तेज़ होती है, तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मतलब कि रात को हम लोगों ने जितनी ठंड बर्दाश्त की है उसके बाद जो है ये धूप बहुत बहुत प्यारी लग रही है। ये आप इनकी बैक पर भी देख सकते हैं, पहाड़ हैं जिनकी पीक्स नज़र आ रही हैं, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी जो है हमारा नाश्ते का टाइम है, अभी हम जा रहे हैं ऊपर, वहाँ पे जाके जो है हम नाश्ता करेंगे। हम आपको वो जगह दिखा देते हैं जहाँ पे हम लोगों ने जो है रात को खाना भी खाया था। ये उन्होंने ऊपर कैंप्स बनाए हुए हैं छोटे से, जहाँ पर ये लोग जो है अपने गेस्ट को नाश्ता और खाना वगैरह जो है वो सर्व करते हैं। यहाँ पे इनका किचन भी है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। गीज़र इन्होंने ऑन कर दिया है, आप लोगों को सुबह सुबह जो है वो गर्म पानी भी प्रोवाइड करते हैं कि इफ़ यू वांट टू टेक शॉवर और आप लोग मुंह वगैरह धोने के लिए, क्योंकि पानी जो है वो बहुत 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 ज़्यादा ठंडा है दैट यू कांट इवन टच इट। बट इन्होंने आप लोगों के लिए स्पेशल जो है लकड़ी पर इन्होंने गीज़र ऑन किया हुआ है। बहुत बहुत अच्छी सर्विसेज है। ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ, हम लोग जो आए हैं नियाज़ी टूर्स की तरफ से जो है हमारा एक स्पॉन्सर है, और ये उन्होंने जो है हमारा बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने हमारे लिए जो है ये स्पेशल ट्रिप स्पॉन्सर किया है हमारी फैमिली के लिए सिर्फ। आई रियली अप्रिशिएट नियाज़ी टूर्स की, उनकी सर्विसेज जो हैं वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है, एंड आई रियली लाइक द पैकेज। बहुत अच्छा, बहुत रीज़नेबल और बहुत खाना, एवरीथिंग, होटल्स, इवन के नाश्ते के लिए भी जब हम जहाँ गए थे वो भी बहुत अच्छी जगह है। ओके, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ लिटिल हाइक, मैं बोल रही हूँ इसलिए मैं अभी थक गई हूँ। हम लोग जो है यहाँ पे नाश्ते के लिए जा रहे हैं, दिस इज़ द कैंप फॉर योर ब्रेकफास्ट एंड फॉर योर लंच। यहाँ से भी हम आपको रिवर व्यू दिखा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये देख सकते हैं रात का व्यू और ये फ्रेश व्यू कितने माशाल्लाह से सो के ये फ्रेश हो गए हैं सब। दिस इज़ द वे जहाँ से हम लोग जो है गुजर के अपने पॉट्स की तरफ गए थे। ये इन्होंने एक छोटा सा काइंड ऑफ पुल बनाया हुआ है, जहाँ आप लोग जो है रिवर क्रॉस करके अपने पॉट्स की तरफ जाते हैं।
और ये मेरा बच्चा जो है किसी का बैट लेके जा रहा है, और ये आप देख सकते हैं ये कार की छत पे बैठ के जाएंगे बम्पी रोड पे। हम लोग जो बेसिकली जो है ऑलवेज 45 मिनट्स पहले जो है हम लोग जीप पे शिफ्ट हुए थे बस से, क्योंकि आगे जो है रास्ता जो है वो काफ़ी जो है स्टोनी है, तो वहाँ से जो है आप लोग की जो बस या वैगन वगैरह वो नहीं गुजर सकती। तो रात को क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था एंड वी आर सो टाइट, तो हम लोग आप लोगों को नहीं दिखा सकते। पानी की आवाज़ आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। यहाँ से जो है हम गुजर के गए थे, ये है खूबसूरत सा रास्ता, और ये पहाड़ों से आ रहा है पानी, और इनको बहुत टेंशन हो रही है किसी चीज़ की। अब जो है हम दोबारा जीप की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जाना है कुमराट वैली जो है पूरी उसका विज़िट करने के लिए। कुमराट फॉरेस्ट में जो है ये पॉड्स और कैंप बने हुए हैं। रात को जो है वो है हमारा कैंपिंग डे है, और हम लोग जो है रात को जाएंगे कैंपिंग के लिए। तो अभी चलते हैं जीप्स में और आपको दिखाते हैं खूबसूरत कुमराट। मेरा उतरेगा ना आज इधर देखो ना यार। हम लोग ऑलमोस्ट जो है कुमराट के एंड पे आ चुके हैं। आगे जो है वो 5 मिनट्स की हाइक है। आगे मतलब कि कोई जीप वगैरह कुछ भी नहीं जा सकते। अगर आप लोगों को बहुत शौक है कि आप आगे जाके देखें, तो आप लोगों को हाइकिंग करके जाना चाहिए वहाँ पे, ताकि आप लोग देख सकें ये मतलब कि ये दो पहाड़ जो हैं यहाँ से आ रहे हैं, और इन दोनों के पहाड़ों के दरमियान से दरिया आ रहा है जो आगे जो यहाँ पे जो हम आपको मैंने सुबह दिखाया था वो उसको जाके मैं मिल रहा है। मैं आपको आगे आगे जाके दरिया भी दोबारा दिखाऊँगी। और ये सामने जो है ग्लेशियर्स हैं, और ये शहनूर एंड महमद, और ये खूबसूरत बादल। हम आ गए हैं जी दो चंगा की तरफ कुमराट फॉरेस्ट से, जहाँ पे जो है दो दरिया जो है पहाड़ों की तरफ से मिलते हैं। और ये आप खुद ऊपर देख सकते हैं हमारे आसमान, ये ऐसे लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल है, इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत हर चीज़ बनाई है। आज मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ कुमराट मतलब नॉर्दर्न साइड पे, एंड आई वाज सो अमेज्ड। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कुमराट में पानी ठंडा करने का तरीका, ये जो ऊपर दरिया का पानी आ रहा है ठंडा, ये उसमें रख देते हैं बॉटल्स, और यहाँ पे जो है ये ठंडी हो जाती है। और ये रहा हमारा खूबसूरत सा दरिया। बस आने के बाद जो है हम लोगों ने पकौड़े खाए, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पकौड़ों की, क्योंकि मौसम बहुत मज़े का था और हम लोग भीग कर आए थे बारिश में। क्या फील कर रहे हैं आप? Feeling very very cool. I am very relaxed. You feel me? आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज़, आप लोग नाज़ी टूर्स के साथ ट्रैवल करें, आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आप लोग का ट्रिप जो है वो बहुत कम्फर्टेबल रहेगा। एंड प्लीज़ चूज़ खानाबदोश कैंप्स इफ़ यू आर विजिटिंग कुमराट वैली, क्योंकि खानाबदोश कैंप्स की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। आई होप यू गाइज़ इंजॉय दिस वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। Oh, my God.